भारत का नया हथियार देख चीन की बढ़ी चिंता। थर थर कांप उठे दुश्मन जब दिखी भारत की ताकत। डीआरडीओ ने फिर किया कमाल, आपको जानकर होगा गर्व। पिछले कुछ दिनों से चीन भारत पर आक्रामक होता जा रहा है और भारत को उसके पड़ोसी देशों से मदद लेके उसे चारों तरफ से घेर रहा है। चीन रोज कोई ना कोई चाल चलता रहता है, इसलिए भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कभी भी अगर दुश्मन हमें आंख दिखाए तो हम उसे पलटकर जवाब दे सकें। इसीलिए डीआरडीओ ने हमेशा से एक से बढ़कर एक हथियारों का परीक्षण करना जारी रखा है, जिसे देखकर दुश्मन दहल जाते हैं और भारत के खिलाफ कुछ भी करने की हिमाकत नहीं कर पाते। पिछले कुछ सालों से डीआरडीओ युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और एक के बाद एक खतरनाक ड्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करता रहा है। इस बार डीआरडीओ ने एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाया है जो बिना बारूद के ही दुश्मन को खाक में बदल देगा। डीआरडीओ ने इस हथियार का नाम रेल गन रखा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस हथियार में बारूद का इस्तेमाल होता ही नहीं है, यानी ये बिना बारूद का इस्तेमाल करे ही दुश्मन को खाक में मिला देता है। इलेक्ट्रिक करंट से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है और इसके जरिए बिजली के गोले बरसाए जाते हैं। इन गोलों की रफ्तार धमनी की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना तेज होती है। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता ने बताया कि ऐसा हथियार दुनिया में और किसी भी देश के पास नहीं है। रेलगन भारत के लिए बहुउद्देशीय साबित होगा। ये हवाई, जमीनी और पानी के रास्ते होने वाले हमलों को रोक सकता है। अभी चीन और पाकिस्तान भारत के वज्र हथियार के बारे में सोचकर पागल हो रहे होंगे कि भारत ने एक और हथियार का परीक्षण करके उनकी हालत खराब कर दी। खिलाड़ियों ने शुक्रवार को अपनी प्राइम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके पाकिस्तान को दहला दिया है। इसे अग्नि पी नाम दिया गया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ये एक 30.5 फीट लंबी मिसाइल है जिस पर 1500 से 3000 किलोग्राम हथियार को लगाया जा सकता है। भारत ने इसे एरिया डिनाइल के तौर पर बनाया है। अग्नि वन मिसाइल का परीक्षण 1989 में किया गया था और इसे 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया, जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर थी। अगर यह हथियार किसी एरिया में घुसता है तो आसपास के 100 किलोमीटर की एरिया को राख बना देता है। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने मालवाहक विमान की मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दे दी है। रविवार को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में उस प्लांट का उद्घाटन कर दिया जो इस एयरक्राफ्ट को बनाएगा। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा है कि यह प्लांट एयरक्राफ्ट के निर्यात के साथ साथ भारतीय वायुसेना के अतिरिक्त ऑर्डर की भी पूर्ति करेगा। यह पहली बार होगा कि C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप के बाहर बनेगा। यह उड्डयन क्षेत्र के लिए काफी अहम है। C-295 5 से 10 क्षमता का एक एयरक्राफ्ट है जो एडवांस तकनीक से लैस है। यह वायुसेना के एब्रो एयरक्राफ्ट की जगह लेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दें।